जहां संविधान का राज है, जहां लोकतंत्र है, ऐसी बातें लंबी नहीं चल सकती है। ये लोग लिख करके रखे, ये जो महिला मंडल का काम चल रहा है उनका, वो अपने ही खाते के लिए। ये आखिरी चुनाव है, मोदी से आए तो नई चुनाव होंगे, नई कमें भेगा तो टिकटे दो। लोकतंत्र की जो मौत हो रही है उसके बारे में क्या लगता है आपको? स्ट्रॉन्ग अपोजिशन, द सेवियर फ्रॉम डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप यानी कि तानाशाही, जिसकी विशेषता है सत्तावादी शासन, असहमति का दमन और एक ही व्यक्ति या पार्टी के हाथों में सत्ता का कंसंट्रेशन। ये लोकतंत्र और ह्यूमन राइट्स के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करती है। हालांकि इतिहास ने हमें दिखाया है कि एक मजबूत और अटूट अपोजिशन किस तरह से अत्याचार के खिलाफ एक कवच के रूप में भी कार्य कर सकता है। पूरे इतिहास में हमने अनियंत्रित शक्तियों के विनाशकारी परिणामों को भी विटनेस किया है। हिटलर के नाजी जर्मनी से लेकर स्टालिन के सोवियत यूनियन तक, माओ के चीन से लेकर पिनोसे के चिली तक, एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की अनुपस्थिति में सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग, बड़े पैमाने पर अत्याचार का मार्ग प्रशस्त किया गया और फंडामेंटल फ्रीडम्स को भी नकार दिया गया। लेकिन वास्तव में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का गठन क्या होता है? यह केवल एक रूलिंग शासन का विरोध करने वाली पॉलिटिकल पार्टी या व्यक्ति के बारे में नहीं है। एक मजबूत विपक्ष लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन और ह्यूमन राइट्स की सुरक्षा के लिए कमिटमेंट का भी प्रतीक होता है। यह उन लोगों को रखता है जहां सत्ता जवाबदेह, पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत करती है और मार्जिन उत्पीड़ितों की आवाज के रूप में भी कार्य करती है। एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की सबसे पावरफुल टूल्स में से एक है उसकी एबिलिटी लोगों को संगठित करने की, जनमत को प्रेरित करने की, आधिकारिक रूलर्स की वैधता को चुनौती देने की एबिलिटी। चाहे प्रोटेस्ट हो, स्ट्राइक्स हो या जमीनी स्तर पर आयोजन के माध्यम से, अपोजिशन मूवमेंट्स ऐतिहासिक रूप से सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन में सबसे आगे रही। अब जैसा कि एडमंड बर्क ने प्रसिद्ध रूप से कहा है कि बुराई की जीत के लिए एकमात्र जो चीज है, जो नेसेसरी चीज है, कि अच्छे लोग कुछ न करें। अत्याचार और उत्पीड़न के सामने खड़ा होना, बोलना, उनका विरोध करना हम सभी का कर्तव्य है। क्योंकि जब हम डिक्टेटर को चुनौती दिए बिना जाने देते हैं तो हम उन प्रिंसिपल के साथ भी विश्वासघात करते हैं जिन पर हमारे समाज की स्थापना हुई है। आइए इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं दक्षिण कोरिया के उदाहरण के रूप में। इमेजिन कीजिए अगर उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन ने किसी तरह से दक्षिण कोरिया पर नियंत्रण हासिल कर लिया, इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हम संभवतः उत्तर कोरिया में ऐसी डिक्टेटरशिप देखेंगे जो पॉलिटिकल अपोजिशन के दमन, सेंसरशिप, किम जोंग उनके हाथों में सत्ता के कंसंट्रेशन से होगा। बेसिक फ्रीडम्स और ह्यूमन राइट्स को गंभीर रूप से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा और असहमति को हार्श पनिशमेंट से गुजरना पड़ेगा। दक्षिण कोरिया की डेमोक्रेसी का स्थान एक दमनकारी शासन ले लेगा जो कोरियाई पेनिनसुला पर एक खाली छाया डाल देगा। अब चलिए एक नजर डालते हैं चीन की ओर। ट्रेडिशनल सेंस में तानाशाही न होते हुए भी चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि CCP के पास इमेंस पावर है, जिसका नेतृत्व जनरल सेक्रेटरी सी जिनपिंग करते हैं। सी की लीडरशिप में हमने कंट्रोल को टाइट होते हुए भी देखा है, जिसमें CCP मीडिया और सिविल सोसाइटी पर अपना अधिकार जता रही है। अब CCP सेंसरशिप और निगरानी, असहमति के दमन जैसे अथॉरिटेरियन मेंबर्स के माध्यम से अपनी ग्रिप उन पर बनाए रखती है। इकोनॉमिक ग्रोथ हो या मॉडर्नाइजेशन के बावजूद चीन के पॉलिटिकल परिदृश्य में लिमिटेड फ्रीडम्स और पॉलिटिकल पार्टिज्म की कमी भी बनी हुई है। अब लास्ट में आते हैं भारत की ओर। भारत में एक हाइपोथेटिकल डिक्टेटरशिप पर विचार करते हैं। यदि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपना अस्तित्व खो देती है और किसी अन्य पार्टी या नेता के हाथों में सत्ता के कंट्रोल के साथ, हम जरूर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल अपोजिशन के दमन को देखेंगे। नागरिक स्वतंत्रताएं कम कर दी जाएंगी, असहमति को शांत कर दिया जाएगा और भारत की डेमोक्रेसी की प्राउड ट्रेडिशन को खतरे में ला दिया जाएगा। डिक्टेटरशिप की स्थापना भारत के डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल से विचलन का प्रतिनिधित्व करेगी, जिसे संभावित रूप से पब्लिक में प्रोटेस्ट और प्रतिरोध भड़क उठेंगे। तो दोस्तों, हम शांत ना रहें, आत्मसंतुष्ट न हों, जहां भी उठें स्ट्रॉन्ग अपोजिशन मूवमेंट्स बनाएं, उनका समर्थन करें। ऐसा करके ना हम केवल डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स की रक्षा करेंगे बल्कि हम अनगिनत व्यक्तियों का सम्मान भी करेंगे जिन्होंने पूरे इतिहास में स्वतंत्रता के लिए सेक्रीफाइसेस किए, स्ट्रगल किया और हमको आजाद कराया। अब इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता हूं आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए ओए इट्स कंट्रोवर्शियल। बाय बाय।